Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your revised tentative dates are out, ठीक है, revise किए वो भी tentative dates, 9th and 10th March को होने वाली है तुम्हारी tentatively MBA CET exam, alright? So these are the dates that are given by CET cell now. तो you have to pull up your socks, obviously 15 days पहले डाल दिए अभी exam tentatively. So this is an 80 day strategy that you need to have. क्योंकि सिस्टमेटिकली अभी प्रेप करना है कि कब तुम्हें मॉक्स देना है, कब रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स है, कैसे तुम डिवाइड कर सकते हो, वो सब ये वीडियो में देखने वाले हैं. ऑलराइट, सो वी हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स. तो जानबूझ के वैसे किया है, रीजन बीइंग नहीं तो एक ही पार्ट में बहुत लंबा हो जाता था ये वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकेंड पार्ट एज वेल. फर्स्ट पार्ट में सारे टॉपिक्स, फिर वो पढ़ने कैसे है, रिविजन कैसे करनी डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट में मॉक्स के बारे में, मॉक एनालिसिस के बारे में, फिर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, रिवीजन कैसे करनी है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वो सब अपन सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो पहले से प्रेप कर रहे हैं, फिर उनको समझेगा कि क्या क्या टॉपिक से कैसे वो डिवाइड कर सकते हैं. जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनका प्रेप, उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स लेके MBA CET के हमने वीकली टारगेट्स, जो हम लोग बोलते हैं लाइक टारगेट सेट करो, तो टारगेट्स ही डिस्कस करने वाले. ऑलराइट, ये नहीं रहेगा कि तुम्हें टाइम टेबल नहीं दे रहे. बेसिकली दिस इज टारगेट्स, हम लोग टारगेट सेट कर रहे फॉर योर प्रेप. ऑलराइट, सो लेट्स जंप. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. बस जैसे दिस इज योर फर्स्ट वीक तो कलर कोड भी किया है. ये जो 80 डे स्ट्रैटेजी की पीडीएफ है ये हम लोग तुम्हें देने वाले हैं. सो नो नीड टू नोट एनीथिंग डाउन, तुम्हें करना है इवन देन, सो इट्स टोटली अप टू यू. बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस पीडीएफ टू यू. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी पार्ट टू, यही वीडियो के पार्ट टू में. मतलब 80 डे स्ट्रैटेजी का जो वीडियो है, जैसे मैंने बोला दो हिस्सों में डिवाइड होगा, उसके पार्ट टू में ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा. लेट्स जंप इन द वीडियो. सो वी हैव कलर कोडेड एवरीथिंग. ये फर्स्ट वीक है तुम्हारा ब्लू पूरा. 18th डिसंबर से तुम्हारा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मंडे. ऑलराइट, वैसे ही तुम्हें प्रेप करना है गाइस. ऑलराइट, तो उसमें तुमने ये सारे कॉन्स के, वर्बल के, हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट देम कि क्या करना है. ये जो मेंशनड है वो करो. दीज आर योर टारगेट्स. तो संडे को भी तुम पढ़ सकते हो, बट संडे को जो ये वीक में पढ़ा है उसका रिविजन होना ही चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर वीकली टारगेट्स विल बी सेट. तो जो मंडे टू सैटरडे में पढ़ रहे हो, जो संडे में भी तुम पढ़ सकते हो यही टॉपिक का, बट संडे को रिविजन भी होना चाहिए. ऑलराइट, कि तुमने यू माइट हैव टेकन नोट्स, या कुछ तुम्हें लगा कि अरे इसमें थोड़ा क्वेश्चन में और प्रैक्टिस चाहिए, तो क्वेश्चन करो. ऑलराइट, एक तो तुम जो नोट्स लिए वो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. कंसेप्ट तुमने कुछ स्टार मार्क किए, अरे ये कंसेप्ट कुछ अलग लग रहा है, तो वो करो. ऑलराइट, बट रिविजन होनी चाहिए एवरी संडे विदाउट फेल. जो पढ़ा है उसकी रिविजन होनी चाहिए. सो दिस वुड बी योर वीकली टारगेट. कमिंग टू योर डेली टारगेट्स, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है वहां पे जाके तुम डेली जो हम लोग कॉन्स, एलआर, वर्बल के क्वेश्चन डाल रहे वो सॉल्व करो. सो दैट वुड बी योर डेली टारगेट्स. सो दिस इज हाउ इट इज बीन डिवाइडेड, की वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स. ये रिविजन से तुम्हारा फिर वो वीक का टारगेट खत्म होगा. नाउ कमिंग टू अ न्यू वीक, अगेन फॉलो दैट पैटर्न. यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो रिवीजन रहेगी, सो दिस रिवीजन वोंट बी ओनली फॉर दिस, मतलब ये तीन इसके लिए नहीं रहेगा, जो पहले पढ़ा है ना उसके लिए भी रहेगा. अंडरस्टैंड, ठीक है. सो दिस रिवीजन इज फॉर दिस टू वीक्स, ठीक है. तो क्यूम्युलेटिवली ऐड होगा ये, दिस रिवीजन वुड बी फॉर दिस थ्री वीक्स. बट देयर वुड बी अ टाइम, तुम्हें लगेगा कि सर ऐसे तो एंड एंड तक तो बहुत सिलेबस करना पड़ेगा. आई अग्री, देर वुड बी अ टाइम, लेट से कि यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम बोलोगे कि नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ कैलकुलेशन टेक्निक्स, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ नंबर सिस्टम्स, तो तब फिर यहाँ पे उसकी रिविजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो वैसे तुम धीरे धीरे ड्रॉप कर सकते हो. आई होप दैट इज क्लियर. सो दिस इज वीक टू. फिर वहां पे अगेन डेली टारगेट्स विदाउट फेल होनी चाहिए. और तुम्हारे रिविजन के दिन में और एक वीकली टारगेट जो होगा, दैट इज अग्नि परीक्षा. उससे तुम्हारा ना प्रैक्टिस होगा गाइस. सो अग्नि परीक्षा जो हमारी वीकली क्विज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, tbtprep.com/agni. वो भी देना है हर हफ्ते संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM के बीच में, 20 मिनट की. तो उससे प्रैक्टिस होगी, स्ट्रैटेजी बना पाओगे, तुम्हें समझेगा कि एक्चुअली मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ क्या, ठीक है. तो तुम्हारा वीकली पढ़ाई का हो गया टारगेट, रिविजन का हो गया, अग्नि परीक्षा का हो गया, डेली क्या होगा, डेली वुड बी योर टेलीग्राम.
साइड बाय साइड अगर तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है, दैट इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर डेली टारगेट्स. ऑलराइट, सो ये हो गया वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, लेट्स स्क्रॉल डाउन. ऑलराइट, तो ऐसे फॉलो कर रहे दिख रहा है तुम्हें. ऑलराइट, सो दैट वॉज 2, 3, 4, 5, ऐसे 6 वीक्स हो गए. नाउ कमिंग आफ्टर 6th वीक तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि नाउ वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद आर फर्स्ट मॉक, ठीक है, पहली मॉक दे रहे गाइस. ऑलराइट, इट्स आर फर्स्ट मॉक. वो फर्स्ट मॉक जो रहेगी, ये फर्स्ट मॉक हमें देना है विदाउट फ्लूक्स, मतलब जो जेन्युइन अटेम्प्ट है वही. तो ये दिन पे ज़्यादा पढ़ाई का मत रखो, तुम सिर्फ रखो कि रिविजन कर रहा हूँ, अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, पर साथ ही साथ में मॉक का एनालिसिस भी कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज, अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मॉक वन जनरली कब देनी चाहिए कि तीनों सेक्शन का ना 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो दे दो फर्स्ट मॉक, इट्स टोटली फाइन. सो दिस इज योर फर्स्ट मॉक, यू हैव टू डू मॉक एनालिसिस. मॉक एनालिसिस का भी हमने अलग से वीडियो बनाया, तुम चाहते हो वापस से वीडियो बनाए तो वापस से बनाएंगे. यू कैन चेक आउट हमारा मॉक एनालिसिस का वीडियो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. बट दिस इज विदाउट फ्लूक्स, अभी तक हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अभी तुम्हारा हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहे कि अरे नहीं मार दे तुक्के उससे स्कोर बढ़ जाएगा तो यू विल फील गुड, नहीं, अभी तक अपन एनालिसिस ही कर रहे हैं. इसके बेसिस पे फिर आगे की स्ट्रैटेजीज भी डिसाइड होगी, अरे ये स्ट्रेंथ से, ये वीकनेस से, इस पे फोकस करना है, ऐसे में कर रहा हूँ तो गलतियाँ हो रही है. ऑलराइट, सो दैट इज लाइक ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट इज मॉक वन, 28 जैन को मॉक वन दो विदाउट फेल. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑलराइट गाइस, सो योर लाइक 18 फेब को तुम्हारा पूरा सिलेबस इस वे में कंप्लीट हो रहा है कि मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, फिर संडे को रिवीजन कर रहा हूँ, फिर संडे को अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, डेली में टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ, ऐसे करते करते तुम्हारा 18 फेब को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, उसमें भी तुम्हें 18 फेब को एक मॉक है, मतलब मॉक वन, मॉक टू, मॉक थ्री, मॉक फोर, हर एक मॉक का एनालिसिस होना चाहिए, नहीं तो मॉक वेस्ट है. तो यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा किया तो चलेगा क्या, वैसा किया तो चलेगा क्या, वी आर हियर टू हेल्प यू. ऑलराइट, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिविजन कैसे करनी है, फिर अभी 18 फेब को खत्म हुआ है, फिर 9 मार्च 10 मार्च तक क्या करना चाहिए, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वो भी देखेंगे हम लोग कि अभी किसी का मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, किसका कम आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा हाइपर बूस्ट प्रोग्राम. सो हाइपर बूस्ट मतलब किसके लिए, कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका स्कोर अभी 80 है मॉक्स में, 80 के ऊपर जा रहा ही नहीं है, या 100 ही है, 100 के ऊपर जा रहा नहीं है, या 120 है, 120 के ऊपर जा रहा नहीं, बेसिकली दे हैव रीच द प्लेटू, उनके लिए है हाइपर बूस्ट. प्लस उनके लिए भी है जिनको रिविजन करनी है, जिनको और प्रैक्टिस चाहिए, जिनको शॉर्टकट्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, टिप्स चाहिए. सो हाइपर बूस्ट प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर दोज पीपल. ऐसे लोगों के लिए नहीं है हाइपर बूस्ट कि जो जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहे, तो हाइपर बूस्ट इज नॉट फॉर दोज पीपल कि जो हाइपर बूस्ट प्रोग्राम यूज करके प्रेप करना चाहते. उनके लिए फिर हमारे अलग जो बंडल्स है वो देखो, सेज मोड हो गया, फिर ऑप्टिमस हो गया, वो सब बंडल्स तुम देख सकते हो. सो बेसिकली व्हाट इज TBT इज हाइपर बूस्ट प्रोग्राम, वाई इज इट डिफरेंट. जनरली क्या होता है कि बाकी के जो हाइपर बूस्ट जैसा प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं, तो 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में सब खत्म करते हैं, और उसमें भी वो ऐसे टॉपिक्स लेते गिने चुने, ठीक है. वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग वॉट एवर इज मैंशनड इन दिस PDF, ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड. उसमें फिर टिप्स, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स सब कुछ डिस्कस होगा. डेली होने वाली है वो हाइपर बूस्ट, मतलब जो सेशंस रह गए स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of February, एवरी डे होने वाला है, एवरी डे विदाउट फेल वो चलता रहेगा, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी टोटली लाइव, लाइव होने वाला है, प्लस यू गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज लाइव लेक्चर्स एज वेल जो अपन कंडक्ट करेंगे. सो डू चेक आउट हाइपर बूस्ट. ऑल्सो देयर इज ब्लिट्जक्रिग प्रोग्राम फॉर दोज हु वॉन्ट टू ऑफर अ क्रैश कोर्स प्रोग्राम, तो वो भी देखे. सारे बंडल्स हमारे आर नाउ ऑफिशियली लाइव. Do check out the trial lessons before enrolling for any of the bundles. Also, result आना start हुआ है कि NMAT का result आ रहा है, ठीक है. जैसे जैसे results आना start होगा, so use this, ठीक है. This is beneficial for those people who are like who have written CET, CMAT, CAT, ZAT, NMAT, ऐसे कोई भी exams in the past या recently लिखी है और उनका results आ रहा है.
सो डू चेक आउट आर फिनिक्स प्रोग्राम जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. That's it for this video guys. See you in the second part of this video. If you have liked the video, don't forget to click on the like button. Share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to click on the bell icon. That's it for this video guys. See you in the next video. Thank you.